आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान के उद्योग से संबंधित दूसरी क्लास है और हमारा सेशन चल रहा था विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर में होता है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर के अंदर 1984 ईस्वी के अंदर स्थापित किया। कब किया गया? 1984 ईस्वी के अंदर राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया, जहां पर जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। गोटन नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा खारिया खंगार जोधपुर के अंदर बिड़ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा मांगरोल चित्तौड़गढ़, एक मांगरोल बारा के अंदर, वो नहीं, मांगरोल चित्तौड़गढ़ में जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है। तो राजस्थान में व्हाइट सीमेंट कारखाना, एक तो जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में, एक बिड़ला व्हाइट सीमेंट कारखाना खारिया कंगार जोधपुर में, और एक जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला जेके सीमेंट निम्बाड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा के अंदर है, बिल्कुल सही है। श्री सीमेंट ब्यावर, बिल्कुल सही है। और बिड़ला व्हाइट सीमेंट गोटन के अंदर है, यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का, क्योंकि बिड़ला व्हाइट सीमेंट कहां पर है? खारिया खंगार जोधपुर में। कहां पर है? खारिया खंगार जोधपुर में। और गोटन नागौर के अंदर जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अब मैं आपको और जानकारी दे देता हूं। सीमेंट के लिए कच्चे माल चूना पत्थर, इसके अलावा जिप्सम, सिलिका और कोयला, इनके लिए ये कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और राजस्थान में यदि प्रश्न पूछे कि देश में सीमेंट उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर होगा प्रथम स्थान है। यानी कि राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। और राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ प्रथम स्थान है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सीमेंट उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है। लेकिन भविष्य में, निकटतम भविष्य में सीमेंट उद्योग सर्वाधिक स्थापित होने की संभावना जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। क्योंकि चूना पत्थर के अनुकूल यानी कि अधिक मात्रा में भंडार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है जैसलमेर में। इसलिए निकटतम भविष्य में, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि सर्वाधिक सीमेंट उद्योग स्थापित होने की संभावना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा जैसलमेर में। लेकिन वर्तमान में कहां पर हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। अगर पूछे कि श्री सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। इसके अलावा श्री राम सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा कोटा में। इसके अलावा मंगलम सीमेंट कारखाना, तो आपका आंसर होगा मोडक कोटा के अंदर। इसके अलावा अबुजा सीमेंट रामड़ियावास जोधपुर के अंदर, यानी कहीं रामड़ावास लिखा है, कहीं रामड़ियावास लिखा हुआ है, जोधपुर के अंदर है अबुजा सीमेंट कारखाना। इसके अलावा राजस्थान का पहला जो सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था एसीसी कंपनी के द्वारा, और यह राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना था। और यह बूंदी के अंदर 1912-13 के अंदर स्थापना की गई थी। कई किताबों में 1915 भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका उत्पादन 1917 में प्रारंभ हुआ था। और यहां पर लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था एसीसी कंपनी के द्वारा। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना स्वतंत्रता के बाद में
राजस्थान के अंदर जयपुर उद्योग लिमिटेड के द्वारा सवाई माधोपुर के अंदर स्थापित किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद में पहला था और राजस्थान का दूसरा सीमेंट का कारखाना था जो 1953 के अंदर स्थापना की थी जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में, और यह एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना था, लेकिन वर्तमान में यह बंद है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे बिनानी सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। बिनानी सीमेंट कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। इसके अलावा अबुजा सीमेंट कारखाना एक तो है रामड़ावास जोधपुर के अंदर है और एक है मुंडवा नागौर में, एक है मुंडवा नागौर में, दोनों याद रखना। इसके अलावा बिड़ला सीमेंट कारखाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और प्रश्न पूछा कि बिड़ला व्हाइट सीमेंट कारखाना, तो आपका आंसर होगा खारिया कंगार जोधपुर के अंदर। और जेके सीमेंट कारखाना निम्बा एडा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कहां पर है निम्बा एडा के अंदर है जेके सीमेंट कारखाना निम्बा एडा में, और प्रश्न पूछे कि जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा नागौर में। अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट उद्योग के लिए। गोटन नागौर में राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था, कब किया गया 1994 ईस्वी के अंदर, और यहां पर जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है, इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहां स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा गोटन नागौर 1984, इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। एक बार मैं जल्दी से वापिस वो सीमेंट कारखाने एक बार वापिस रिपीट करवा देता हूं, गोटन नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना, इसके अलावा जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है, दो जगह है जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना, एक तो गोटन नागौर में एक मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एक खारिया खंगार जोधपुर में बिड़ला व्हाइट सीमेंट कारखाना है, और इसके अलावा बिड़ला सीमेंट कारखाना कहां पर है, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और प्रश्न पूछे कि जेके सीमेंट कारखाना, तो आपका आंसर होगा निम्बा एडा के अंदर है, और इसके अलावा मंगलम मोडक कोटा के अंदर है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर है। इसके अलावा अबुजा सीमेंट कारखाना मुंडवा नागौर में, और इसके अलावा राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना एसीसी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी के अंदर। इसके अलावा जयपुर उद्योग लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो सवाई माधोपुर के अंदर 1953 के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया था। इसके अलावा बिनानी सीमेंट कारखाना पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है, और इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहां पर है, जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना सिरोही के अंदर है, कहां पर है सिरोही के अंदर है। और इसके अलावा एक ये भी प्रश्न पूछा गया है, लाफार्ज इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पर सीमेंट उत्पादन किया जाता है, लाफार्ज इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा पावलिया चित्तौड़गढ़, पावलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर फ्रांस की एक लाफार्ज इंडिया लिमिटेड के द्वारा उद्योग स्थापित किया गया है, इसका सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान सीमेंट कहां पर है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर में। तो ये मेन मेन सीमेंट के कारखाने याद रखना, आने वाले एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्योग स्थिति में कौन सा सुमेलित नहीं है, हाईटेक ग्लास धौलपुर में बिल्कुल सही है, सफेद सीमेंट निम्बा एडा गलत है, क्योंकि सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में, और एक मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर है, निम्बा एडा में जेके सीमेंट कारखाना है, और टायर ट्यूब
अलवर के अंदर भी है और राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का कारखाना काकरोली राजसमंद के अंदर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर, जो कि सही सुमलिता नहीं है। अगला क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए राजस्थान के तीन जिलों का आधार बनाकर यह जारी किया जाता है, एक तो जयपुर, एक भीलवाड़ा और एक अलवर। लेकिन सितंबर 2020 से पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए तीन जिले के आधार थे, एक जयपुर, एक भीलवाड़ा और एक अजमेर। लेकिन सितंबर 2020 के बाद में अजमेर को हटा दिया और अजमेर के स्थान पर अलवर को जोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय में यदि आपसे प्रश्न पूछेगी औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए राजस्थान के कौन से तीन जिले आधार बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो आपका आंसर होगा जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, न कि अजमेर होगा। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा काकरोली राजसमंद के अंदर। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया। तो 1964 में इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की तीन इकाइयां कहां स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डीडवाना, नागौर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, जो कि 1964 के अंदर स्थापित। राजस्थान में सक्कर उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है, यानी कि राजस्थान में चीनी उद्योग कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं। एक तो श्री गंगानगर के अंदर है, एक भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एक केशवराय पाटन बूंदी के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अब चीनी बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और चीनी किससे बनती है, एक तो गन्ने से बनती है और एक चुकंदर से बनती है। गन्ने से और चुकंदर से चीनी का उत्पादन होता है और राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना और चुकंदर कहां होता है, श्रीगंगानगर के अंदर। तो राजस्थान में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहां होगा, श्रीगंगानगर के अंदर होगा। अब राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी शुगर मिल की स्थापना की गई, कब की गई, कहां पर की गई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम शुगर मिल की स्थापना मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी 5 अप्रैल 1932 ईस्वी में की गई थी और यह राजस्थान के अंदर निजी क्षेत्र की पहली थी। तो राजस्थान में प्रथम शुगर मिल की स्थापना कब की गई, 5 अप्रैल 1932 ईस्वी में की गई थी। कौन सा क्षेत्र, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और यह राजस्थान की प्रथम थी और कहां पर की, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी शुगर मिल की स्थापना गंगानगर शुगर मिल की स्थापना की गई, कब की गई, 1937 ईस्वी में की गई थी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अंदर हरिमोहन सक्सेना की बुक है उसके अंदर लिखा है कि राजस्थान में गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी और उसके बाद में 1947 ईस्वी के अंदर यहां पर चीनी का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यानी कि ये चीनी का उत्पादन यहां कब प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 1947 ईस्वी। उसके बाद में राजस्थान और जब ये स्थापना हुई थी उस समय ये निजी क्षेत्र की थी, कैसी थी, निजी क्षेत्र की थी। लेकिन उसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा इसे अपने अधीन में ले लिया और इसे सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित किया, इसे सार्वजनिक क्षेत्र घोषित किया। कब किया, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 1956 को। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगानगर शुगर मिल की स्थापना होती उस समय यह निजी क्षेत्र की थी या सार्वजनिक क्षेत्र की, तो आपका आंसर होगा निजी क्षेत्र की थी। तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र का घोषणा कब की, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा अपने अधीन में कब लिया, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बना दी गई थी। और उसके बाद में
प्रश्न ये भी पूछा गया कि गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 1968 में होता। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में होता। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर 1965 में सहकारी क्षेत्र की और राज्य की तीसरी शुगर मिल की स्थापना की गई, श्री केशवराय पाटन शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1965 में सहकारी क्षेत्र की और केशवराय पाटन बूंदी के अंदर स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है कहां पर है, तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर। स्थापना कब हुई? 5 अप्रैल 1932 के अंदर। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई, तो राजस्थान की पहली चीनी मिल की स्थापना कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर। कब की गई? 5 अप्रैल 1932 ईस्वी में की गई थी। और ये कौन से सत्र की थी? तो ये निजी सत्र की थी। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। और केसराय पाटन जो कि बूंदी के अंदर है और ये सहकारी क्षेत्र की है, ये सहकारी क्षेत्र की और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा, अगर पूछे कि निजी क्षेत्र का, तो आपका आंसर होगा भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 के अंदर। अगर पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र का, तो आपका आंसर होगा श्रीगंगानगर के अंदर। और अगर पूछे कि सहकारी क्षेत्र का, तो आपका आंसर होगा केशवराय पाटन बूंदी जो 1963 में, तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर के अंदर है, ये राजस्थान सरकार का नहीं कि भारत सरकार का। इसके अलावा ये तीनों भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। सामर सोल्ट लिमिटेड हो चाहे मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर हो, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं कि राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल निजी क्षेत्र की कंपनी है या सहकारी क्षेत्र की कंपनी है या सरकारी उपक्रम है या सरकार व निजी संयुक्त उपक्रम है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सरकारी उपक्रम है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। गंगानगर शुगर मिल की जब स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में और कई पुस्तकों के अंदर 1945 लिखा हुआ है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, इसका नाम था। और उस समय यह निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह निजी क्षेत्र की थी, लेकिन वर्तमान में या 1 जुलाई 1956 के बाद में यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र का या सरकारी उपक्रम है। कौन सा? गंगानगर शुगर मिल। कब से? 1 जुलाई 1956 के बाद में। और उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। और इसे चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में था, तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगर पूछे कि निजी क्षेत्र की पहली, तो आपका आंसर होगा भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। और सहकारी क्षेत्र की प्रश्न पूछे, तो आपका आंसर होगा केशवराय पाटन बूंदी 1965। अगला क्वेश्चन, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने कब से प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1968 में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1968। अगर पूछे कि गंगानगर शुगर मिल जब इसकी स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में, उस समय इसे बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में और उसे निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद में अगर पूछे कि गंगानगर शुगर मिल से कब चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 1946 ईस्वी के अंदर। अगर पूछे कि इसे निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र कब बना दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 1956 के अंदर। और चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा 1968 में। अगला क्वेश्चन, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर के अंदर। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। ये आरएस 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया और पीछे क्या था कि चुकंदर से चीनी कब बनाना प्रारंभ किया था, ये एसआई एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछा, तो आपका आंसर होगा 1968। और चुकंदर से चीनी कहां बनाई जाती है, तो
गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर बनाई जाती है और प्रारंभ हुआ था 1968 में। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू वर्ष में 1945 निजी क्षेत्र के रूप में सह स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। देखो इसका स्थापना के अंदर दो डेट मिलती है, एक तो 1945 मिलती है कि इसकी स्थापना 1945 में हुई, और कई जगह एक 1937 भी मिलती है। राजस्थान के अंदर राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की बुक है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, उसके अंदर उसकी स्थापना वर्ष 1937 लिखा हुआ है और बाकी अन्य पुस्तकों के अंदर 1945 लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से आप अपना आंसर दोगे। तो इसकी स्थापना जब 1945 ईस्वी में हुई थी, निजी क्षेत्र के अंदर हुई थी, उस समय इसका नाम था बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड और वह निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1 जुलाई 1956 के अंदर इसे सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित कर दिया, इनकी सरकारी उपक्रम बना दिया राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसका नाम परिवर्तन करके गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड रख दिया गया था। और उसके बाद में 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण की समस्याओं से ग्रस्त है या जूझ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगंगानगर। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अन्य दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और जाते जाते एक कमेंट जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।